हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वेब ऑफ सोशियोलॉजी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी झारखंड से जो पीएचडी एडमिशन 2023 से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है उसके बारे में फुल डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे और कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में भी मैं बताऊँगा। तो फिर चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में। जैसे कि देख सकते हैं नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी मेदिनीनगर पलामू झारखंड का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और एक बात, अगर आप सभी इस चैनल पर नए हो और इसी तरीके का हायर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अगर पाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सभी को करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन दिया गया है पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट पैट 2023 का, तो आप सभी को इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, देन स्क्रॉल डाउन कीजिए, देन यहाँ पे देख सकते हैं बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम 2023-24, तो आप सभी को इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में इसका जो पीडीएफ है ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं ये जो बुलेटिन है बहुत ही वास्ट है, इसलिए मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस करूँगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं शेड्यूल ऑफ पीएचडी एडमिशन चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट डेट फॉर अप्लाई एंड पेमेंट ऑफ फी फॉर पीएचडी प्रोग्राम 22/02/2023, यानी कि आप सभी फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और एप्लीकेशन फी पेमेंट कर पाएंगे 22 फरवरी 2023 तक। ओके, नेक्स्ट पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट पैट 2023 जिसका डेट है 22/03/2023, यानी कि 22 मार्च 2023 को पैट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं डिक्लेरेशन ऑफ एंट्रेंस टेस्ट पैट रिजल्ट इंटरव्यूज मीटिंग ऑफ रिस्पेक्टिव डीआरसी मीटिंग ऑफ पीजीआरसी एंड पीएचडी प्रोग्राम वर्क कमेंसमेंट, इन सभी का जो डेट है बाद में अनाउंस कर दिया जाएगा। ओके, इसीलिए आप सभी को वेबसाइट रेगुलर बेसिस में चेकआउट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं अपडेटेड लिस्ट ऑफ वैकेंट सीट्स फॉर एंट्रेंस टेस्ट इन पीएचडी प्रोग्राम इन 2023। देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज निकल के आई हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले नंबर वन पे है बॉटनी, बॉटनी में टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 11। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी सीट्स डिवाइड कर दिया गया, आप सभी कैटेगरी वाइज चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट केमिस्ट्री में है 11, नेक्स्ट कॉमर्स में है 5, देन इंग्लिश में है 13, देन इकोनॉमिक्स में है 12, देन ज्योग्राफी में है 4, देन हिस्ट्री में है 16, देन मैथमेटिक्स में है 8, देन फिलोसफी में है 6, देन फिजिक्स में है 8, देन साइकोलॉजी में है 8, देन पॉलिटिकल साइंस में है 16, देन जूलॉजी में है 8 एंड होम साइंस में है 8। टोटल देख सकते हैं 134 वैकेंसीज निकल के आई हुई है 14 सब्जेक्ट्स में। ओके, आप सभी वीडियो पॉज करके वैकेंसी डिटेल्स सब्जेक्ट वाइज चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड फी चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम ऑल द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म व्हिच मे बी डाउनलोडेड फ्रॉम द एनपीयू वेबसाइट। आप सभी को ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। ओके, और एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप सभी को वेबसाइट के थ्रू से डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करना है वो भी थोड़ी देर बाद मैं आप सभी को बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं द एप्लीकेशन फी कैन बी पेड थ्रू डिमांड ड्राफ्ट। एप्लीकेशन फी जो है आप सभी को डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू से पेमेंट करना है और जो डिमांड ड्राफ्ट है वो आप सभी को बनाना है इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी पेबल एट डाल्टनगंज के नेम पे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं द कंप्लीट फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट रीच बाई पोस्ट और बाई हैंड, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप सभी बाई पोस्ट भी सेंड कर सकते हो या फिर बाई हैंड भी सबमिट कर सकते हो यूनिवर्सिटी में। ओके, अगर आप से बाई पोस्ट सेंड करना चाहते हो तो यहाँ पे एड्रेस दे दिया गया है, देख सकते हैं टू द रजिस्टर नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी मेदिनीनगर पलामू झारखंड 822102, इस एड्रेस पे आप सभी को सेंड कर देना है बिफोर 5 PM 22/02/2023 तक। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं ऑल्सो द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू सेंड ओ मेल अ स्कैन कॉपी ऑफ देयर फील्ड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म टू ईमेल एड्रेस, यानी कि आप सभी को एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मेल के थ्रू से भी सेंड करना है। ओके, यहाँ पे मेल आईडी दे दिया गया, इस मेल आईडी में आप सभी को एप्लीकेशन फॉर्म की स्कैन कॉपी सेंड कर देना है। ओके,
नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, द एप्लीकेशन विल बी कंसिडर कंप्लीट ओनली आफ्टर द रियलाइजेशन ऑफ पेमेंट, यानी कि जब तक पेमेंट नहीं हो जाता है आप सभी का जो एप्लीकेशन है कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओके, इसीलिए एप्लीकेशन फी जो है आप सभी को जरूर पेमेंट करना है। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन फी चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अनरिजर्व एंड ओबीसी के लिए 1500 यानी कि 1500 रुपये एप्लीकेशन फी रखा गया है। नेक्स्ट एससी एसटी ईडब्ल्यूएस एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 1000 यानी कि 1000 रुपये एप्लीकेशन फी रखा गया है। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड रिलैक्सेशन देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर यूजीसी नॉर्म्स ही रहेगा। ओके, मैं आपसे एक बता देता हूँ, अगर आपके पास में मास्टर्स डिग्री है रिलेवेंट सब्जेक्ट में, ओके, और मास्टर्स डिग्री में अगर 55% मार्क्स है तो आप सभी इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ओके, और जितने भी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उन सभी के पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और मास्टर्स डिग्री में अगर 50% मार्क्स भी है तो भी वो सभी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं रिलैक्सेशन एंड कंसेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया, आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट स्कीम एंड इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड एग्जामिनेशन पैड चेकआउट कर लेते हैं। स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं, मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन यानी कि पैट एग्जामिनेशन जो है ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाएगा, ड्यूरेशन 2 आवर्स। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यू मोड में क्वेश्चंस दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे देख सकते हैं 150 क्वेश्चंस फ्रॉम रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड 50 क्वेश्चंस फ्रॉम सब्जेक्ट स्पेसिफिक। नेक्स्ट मार्क्स पर क्वेश्चन 1 रहेगा। ओके, नेक्स्ट स्कोरिंग यहाँ पे देख सकते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ओके, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। ओके, मीडियम ऑफ पेपर यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश एंड हिंदी। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं इंटरव्यू, इंटरव्यू इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग दोज कैंडिडेट्स हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि इंटरव्यू जो है सभी के लिए कॉम्पल्सरी रहेगा। ओके, जितने भी पैट के कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए, और जितने भी पैट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं यानी कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने यूजीसी नेट या फिर सीएसआईआर नेट या फिर सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करा है उन सभी को पैट एग्जामिनेशन में छूट मिल जाएगा, लेकिन उन सभी को इंटरव्यू में बैठना पड़ेगा। ओके, वो सभी कैंडिडेट्स डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठ पाएंगे। नेक्स्ट एडमिट कार्ड फॉर एंट्रेंस टेस्ट पैट 2023 रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया, आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट पैट 2023 सिलेबस ग्रुप ए रिसर्च मेथोडोलॉजी कॉमन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। ओके, यहाँ पे दिया गया है, आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट ग्रुप बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं आपसे एक बता देता हूँ, आप सभी को एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म और पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट पैट 2023 का, तो आप सभी को इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में इसका भी पीडीएफ ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म है। ओके, आप सभी को अच्छी तरीके से फिलअप करना है पूरा फॉर्म को। ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन कर देना है, देन कैंडिडेट्स नेम, यहाँ पे आप सभी को एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अटैच करना है। ओके, और पूरा डिटेल्स अच्छी तरीके से आप सभी को फिलअप कर लेना है, कोई भी मिस्टेक मत कीजिएगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आप सभी को दिखा दिया है। ये जो फॉर्म है आप सभी को डाउनलोड करना है, करने के बाद में इसको फिलअप कर लेना है। ओके, करने के बाद में आप सभी को बाई पोस्ट सेंड करना है, या फिर आप सभी यूनिवर्सिटी में जाके भी बाई हैंड सबमिट कर सकते हो, और जो एप्लीकेशन फी है वो आप सभी को डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू से पेमेंट करना है। ओके, नेक्स्ट और भी डिटेल्स में अगर सिलेबस चेकआउट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, सिलेबस फॉर पैट 2023। ओके, तो पूरा डिटेल्स में मैंने आप सभी को बता दिया है नोटिफिकेशन और कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में भी। ओके, अगर फर्दर इससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट किया जाता है तो मैं आप सभी को अवेयर कर दूंगा। इसके लिए आप सभी को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन पे सेट कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई वीडियोस अगर अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशंस मिल जाए। ओके, तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर कोई भी क्वायरी हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा, और इसी तरीके का अगर वीडियोस पाना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।